तो हे गाइस बेटू आर्मी हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि गाइस बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया ही रहना। गाइस फाइनली मैं चल रहा हूँ ग्रैंड मास्टर पे एंड मेरा स्कोर 10,000 से भी ज्यादा हो चुका है एंड मैं इस सीजन कंटिन्यूअसली सोलो में ही रैंक पुश कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस सीजन 30 में तो सोलो में रैंक पुश करना बिल्कुल ही आसान हो चुका है बिकॉज जोन के बाहर डैमेज को कम कर दिया गया। एंड गाइस बिना किसी ग्लिच के अगर आप लोग मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो ना, जिस स्ट्रेटेजी को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने इस सीजन ग्रैंड मास्टर किया है, देन फिर गाइज आप लोग भी 1 से 2 दिन के अंदर इजिली ग्रैंड मास्टर कर लोगे। गाइज आज की वीडियो में मैं सोलो रैंक पुश की एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ एंड कैसे मैं गेम को कंप्लीट करता हूँ, समझ रहे हो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पोजीशन में सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइज आप लोग भी आज की इस वीडियो को देखकर के बहुत कुछ सीखना। तो फाइनली गाइज मैंने इसी ग्रैंड मास्टर वाली आईडी से एक रैंक मैच स्टार्ट किया है एंड गेम स्टार्ट होने के बाद गाइज डायरेक्टली हम लोग लॉबी में आ जाते हैं। गाइज आप लोग ये लॉबी देख लो तो कितनी ज्यादा हार्ड लॉबी आई है, बट गाइज लॉबी हार्ड है या नो उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज फाइट तभी होगी जब आप चाहोगे। एंड देन फिर गाइज उसके बाद फाइनली हम लोग प्लेन में आ जाते हैं एंड अब आती है मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करना है। बट उससे पहले गाइज आप लोग लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर देख लो तो बी आर रैंक एंड ग्रैंड मास्टर का लोगो आपको दिख रहा होगा, मतलब ये कंफर्म्ड है कि रैंक मैच ही है। एंड गाइज अब आते हैं लैंडिंग के ऊपर कि आखिर आपको लैंडिंग करना कहाँ पे है। तो उसके लिए गाइज आपको करना कुछ नहीं है, सीधा छोटा वाला मैप को ओपन करना है एंड उसमें ये चेक करना है कि ब्लू जोन कहाँ पे है। एंड हाँ ध्यान रखो, मैंने ये बोला है कि चेक करना ब्लू जोन कहाँ पे है, डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको ब्लू जोन ही जाना। ऐसा कि गाइज देख लो आप लोग यहाँ पे अगर ब्लू जोन सेंटोसा पे है तो फिर पहले मैं मार्स इलेक्ट्रिक उतरूंगा, देन फिर मैं वहां से चल के पैदल जाऊंगा या फिर मैं पहले उधर केप टाउन उतरूंगा, वहां से चल के यहाँ पे सेंटोसा आऊंगा। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि गाइज अगर ब्लू जोन का स्टार्टिंग है तब तो ये कंफर्म है ना कि बहुत सारे बंदे मे भी वहां पे जा सकते हैं, बट गाइज जब आप पैदल चल के जाओगे ना तो पहला जोन श्रिंक हो चुका होगा एंड जोन के बाहर आप लूट करोगे। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है। तो उसके लिए लेना एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर, पासिव में लेना फॉर्ड मैक्सी मैंने नॉट हो रहा, एंड पेट में आपको कोई भी लेना है जो भी मन है वो ले सकते हो, या तो आप फैल्को ले लो या फिर ले लो मिस्टर वैगर। एंड फाइनली देख लो गाइस तो मैं यहाँ पे लैंड कर चुका हूँ एंड अब आपको दौड़ते दौड़ते ब्लू जोन जाना है। एंड फाइनली देख लो गाइस आप लोग तो मैं यहाँ पे दौड़ते दौड़ते ब्लू जोन की साइड आ चुका हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा तो लेट हुआ बट पहला फर्स्ट जोन श्रिंक करने लगा। बट अब ब्लू जोन पहुंचने के बाद अब क्या करना है जानने से पहले गाइस आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल पे नए आए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी डेली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस यहां पे अब जैसे ही पहला ब्लू जोन श्रिंक करने लगता है ना, तो पहला जोन जैसे श्रिंक करने लगा उसके बाद अब क्या होगा गाइस कि यहां पे अब आपको एक बंदा भी लिटरली देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको भी पता है कि मैं ग्रैंड मास्टर पे हूं एंड ग्रैंड मास्टर पे जितने भी बंदे आते हैं वो तो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल के आते हैं ना, तो जोन श्रिंक करने के बाद निकल ही जाएंगे। पॉइंट ये है कि आपको लूट के टाइम पे किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो सबसे पहला है मेडिकिट्स, दूसरा है इनहेलर एंड लोड आउट में भी आपको बाउंड्री टोकन नहीं लेना जबकि लेना है बॉन्ड फायर। यहाँ पे अगर पहला जोन श्रिंक कर गया तो आपको लूट करने का चिंता नहीं, आप तब तक लूट करना जब तक लूट करो सेकंड जोन थर्ड जोन कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि जोन के बाहर डैमेज वैसे ही कम हो चुका है बाकी बंदों को तब ये पता ही नहीं है। एंड फाइनली देख लो गाइज आप लोग जोन तो पहला जोन श्रिंक करके रुक चुका है, उसके बाद दूसरा जोन भी अब श्रिंक करने वाला है लिटरली। एंड गाइज अभी भी मैं आराम से लूट कर रहा हूँ बिना किसी मेडिकिट को यूज। एंड फाइनली गाइज देखो तो अब सेकंड जोन भी श्रिंक करने लगा है एंड उसके बाद अब मैं बाइक पे बैठा हूँ, बट बाइक पे इसलिए नहीं बैठा ताकि अपने हेल्थ बढ़ाऊ, मैं बाइक पे भी इसीलिए बैठा ताकि मैं इससे मेडिकिट्स को ढूंढ सकूं। वैसे भी गाइस जोन के बाहर सरवाइव करने का ना आपका एक मोटिव होना चाहिए कि आपको कितना देर जोन सरवाइव करना है, जैसे कि पोजीशन टॉप 10, टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7, कितना पोजीशन आपको जोन के बाहर सरवाइव करना है। तो मैं तो टॉप 5 करके आपको दिखाने वाला हूं एंड उसके बाद केवल 4 बंदे बचेंगे तो फिर वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना किल करते हो, क्योंकि गाइस वैसे तो पोजीशन पे भी आपका प्लस मिल ही जाएगा बट किल करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा प्लस मिलेगा। एंड फाइनली देख लो गाइस आप लोग तो जोन कितना ज्यादा छोटा हो चुका है, लिटरली अभी तक मैं लूट कर रहा हूं एंड मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने एक मेडिकिट को भी यूज नहीं किया। एंड आपके पास जितने सारे टोकन है आप जाओ आराम से टोकन्स को भी यूटिलाइज कर लो। एंड उसके बाद जैसे ही आप अपने सारे वेंडिंग मशीन से टोकन्स को खरीद लेते हो उसके बाद अब आपको करना कुछ नॉर्मली बाइक पे बैठना एंड आराम से पोजीशन को टॉप 5 होने देने का वेट करना। एंड आप खुद ही देखो गाइस तो पोजीशन अभी भी टॉप 13 है, क्या लगता है आपको? एंड इतनी सारा मेरे पास सिर्फ 8 मेडिकिट है, क्या 8 मेडिकिट में पोजीशन टॉप 5 कर पाऊंगा वो भी जोन के बाहर? क्योंकि फाइनली गाइस अब आप खुद ही देखो तो अब ये जोन भी श्रिंक करने लगा लिटरली एंड मैं यहाँ पे आराम से लूट कर रहा हूँ। मतलब आप खुद ही देखो ना यार कि मेरा डैमेज जो है ना वो भी कम हो रहा है, बहुत कम कम घट रहा है, क्योंकि मैंने आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया था बट आपका एक ही कैरेक्टर यूज में आ रहा जो कि है नोटोरा कैरेक्टर एंड मैक्सिम। एंड अब मैं वीडियो को क्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि गाइस देखते हैं ना, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि नहीं बेटू भाई आपने ज्यादा मेडिकिट्स यूज कर लिया एंड आपने दिखाया नहीं, तो चलो गाइस आपको देखते क्या करना, आराम से जोन के बाहर मस्ती करना एंड फाइनली पोजीशन टॉप 9 हो चुका, बट मैंने आपको पोजीशन टॉप 5 के बारे में बोला था। ओ भाई सो फाइनली गाइस देखो जोन कितना ज्यादा छोटा हो चुका है एंड मैं अभी तक भी एक बार भी जोन के अंदर नहीं गया एंड फाइनली मेरा पोजीशन टॉप 6 है बट मैंने टॉप 5 बोला था, लेकिन टॉप
टॉप 5 करने के बाद अब आप सेफ कैसे हो गए, क्योंकि गाड़ी पे तो कोई भी बंदा मार सकता है ना आपके लिए करना कुछ नहीं है गाइज। आपको जैसे ही आपका पोजीशन टॉप 5 होता है उसके बाद आपको जोन के सेंटर में सीधा गाड़ी को स्पीड में ले जाकर रुकना है। जैसे कि फाइनली मेरा पोजीशन तो टॉप 5 हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है गाइज कि मेरा 7 मेडिकेट अभी तक बचा हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना गाइज कि मैंने सिर्फ 2 या 3 मेडिकेट यूज किया और मैं इतना पोजीशन टॉप 5 कर लिया। तब तो आप लोग भी तो इजीली 2-3 मेडिकेट में कर ही लोगे। फाइनली उसके बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं जोन के अंदर जाऊंगा भी तो कहां पे जाऊंगा, क्योंकि गाइज जोन के अंदर सेफ प्लेस भी तो मिलना चाहिए ना। बट मैं अपनी मेडिकेट्स को यूज कर रहा था क्योंकि देख रहा था चलो यार मेडिकेट को यूज करके जब है तो क्यों ना यूज करें। एंड उसके बाद गाइज मेरे पास जितने सारे भी मेडिकेट्स थे मैंने उन मेडिकेट्स को यूज किया, फिर अभी भी देखो तो मेरा पूरा हेल्थ फुल है। मतलब समझ रहे हो ना गाइज कि अभी तक मैंने जोन के अंदर एक बार भी नहीं गया एंड सारी मेडिकेट को यूज करके अपने हेल्थ को फुल रखा। फाइनली गाइज उसके बाद अब नेक्स्ट जोन भी श्रिंक करने लगा। यहाँ पे बहुत सारे बंदे थे तो मैं तुरंत से लाया जोन के सेंटर में। एंड उसके बाद जैसे मैं टावर के पास आता हूं अपने आप को सेफ देखता हूं, पीछे से बंदा मारता तो आराम से वॉल डालते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंदा फिर से स्काइलर मारेगा मैं फिर से वॉल डाल दूं। सो गाइस जो फाइनली पोजीशन टॉप 4 हो चुका है एंड इसके बाद तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 बंदों में कितने बंदे को मारते हो और कितना प्लस निकलता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।